पहला सवाल आपसे यही है, आपको विदेश मंत्री बने 4 साल अब हो चुके हैं, आपने इन 4 साल में क्या सीखा और अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आप इन 4 साल में क्या मानते हैं एक नेता के तौर पर, पॉलिटिशियन एंड ऑल्सो एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? एक तो सुधीर जी, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आज आपके प्रोग्राम में आने का मेरा सौभाग्य है। मेरे लिए तो एक किस्म से एक नया माध्यम है। नॉर्मली ज़्यादातर हम जो हैं अंग्रेज़ी टीवी के दुनिया में होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा। पर जो आप कह रहे हैं पिछले 4 साल में क्या सीखा, सीखा तो बहुत कुछ, खासकर राजनीति की दुनिया से, क्योंकि जो आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्यूरोक्रेसी का बैकग्राउंड था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इस दूसरी दुनिया में प्रवेश करूंगा। तो और वो हुआ, अचानक हुआ, वो अलग कहानी कुछ और है। पर उस दुनिया से जो सीखने को मिला कि ग्राउंड में, ज़मीन में क्या परिवर्तन हुआ है, होता है, कैसे होता है, और उनकी जो परिप्रेक्ष्य जो है पॉलिटिशियन की कुछ अलग होती है, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट की कुछ अलग होती है, तो एक तो वो है। तो वो अनुभव जो है मेरे लिए एक किस्म से रोज़ एक क्लासरूम था कि हर हर सिचुएशन में, हर मीटिंग में, हर हर कोई नए अनुभव में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता था। और दूसरा ये भी था कि जो जो पॉलिटिशियन जो है उसकी पब्लिक के साथ और नज़दीक से वो जुड़ा ज़्यादा होती। पर जो आपने कहा कि पिछले साल 4 साल में उपलब्धियों की अगर बात करें, मैं कहूँगा सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगा कि पब्लिक के मन में था कि विदेश नीति कोई डिप्लोमेट लोग जो सूट टाई पहन के कहीं कॉन्फ्रेंस में बैठ के उनका कुछ ये काम होता है, तो जब कूटनीति की बात करते हैं तो उनको लगता है कहीं दूर की दुनिया है। आज जो है पिछले, खास मैं कहूँगा पिछले 9 साल से, क्योंकि पहले भी ये हो रहा था पर पिछले 4 साल में ये ज़्यादा हुआ है, कि आज जो है हम पब्लिक के हितों के साथ, पब्लिक के जो मैं कहूँगा पब्लिक की जो सोच जो है, पब्लिक की जो चिंता जो है उसके साथ हम जोड़ पाए, कि एक किस्म ये ज़मीन की विदेश नीति है। और इसके बहुत उदाहरण कोविड का भी मैं आपको दे सकता हूँ, या जब हमारे लोग बाहर फंस जाते हैं तो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं उनको वापस लाने के लिए, या जो दुनिया देश में जो प्रगति जो हो रही है उसमें हम फॉरेन पॉलिसी का क्या योगदान है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं कहूँगा अगर मैं इसकी एक निचोड़ मैं आपको दूँ, निचोड़ ये होगी कि आज जो है, जो मैं कहता हूँ फॉरेन पॉलिसी फॉर यू, कि आपके हित, आपकी चिंता, आपकी सोच, इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये हमारी सरकार है जो हमारे हितों के लिए दुनिया के सामने खड़ी है। ये तो आपकी उपलब्धियां हैं, हिट्स। अगर मैं मिसेज की बात करूं, कोई ऐसी चीज जिसमें आपको लगे कि ये इस टर्म में आप पूरा नहीं कर पाए और ये काम पूरा करने के लिए आपको एक टर्म और चाहिए? नहीं, देखिए मिस की बात नहीं है कि क्योंकि ये आप दुनिया की बात कर रहे हैं, हम दुनिया को तो कंट्रोल नहीं करते, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब किसने सोचा कि महामारी आएगी? हम महामारी की तो पहले, ऐसी महामारी तो 100 साल पहले आई थी। या किसने सोचा कि यूक्रेन में युद्ध होगा, उसका असर जो है सीधा तेल की कीमत में या अनाज की कीमत में आपको दिखाई देगा। तो विदेश नीति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल के बाहर होती हैं, और अच्छी विदेश नीति जो है वो जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकती है वो एक किस्म से सफलता की परिभाषा है। पर जो कहें कि आगे क्या करना है, मैं कहूँगा कि हम एजेंडा तो है, और विदेश नीति में सोच भी होती है, एक किस्म से एक रणनीति होती है। जैसे अब प्रधानमंत्री शुरू से 2014 से मोदी जी की सोच है कि जो हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, कि नेबरहुड पड़ोस को कैसे हम अपने साथ जोड़ें, या हम खाड़ी की तरफ हम रिश्ते कैसे बनाएं, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि वहाँ हमारे जो राजनीतिक रिश्ते जो थे बहुत कमज़ोर थे 2014 के पहले, या बड़े जो 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 बिग पावर्स जो कहते हैं उनके सबके साथ कैसे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि सब, हर बड़ा पावर चाहता है कि हमारा आपसी का रिश्ता हो, किसी और के साथ ना हो, तो सबके साथ कैसे
चलाएं, जो सबका साथ सबका विकास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसको कैसे ले जाए। सब देशों को भी आपने इसमें जोड़ लिया, सबका साथ सबका।